हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका आरएसएस किचन में। आज हम बनाएंगे कच्चे केले और आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है, और ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है बिहार झारखंड की। तो चलिए हम इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 आलू और 3 कच्चा केला लिया है, जिसे मैंने क्यूब साइज में काट लिया है। एक कढ़ाई में सरसों तेल गर्म करेंगे, जीरा तेजपत्ता का छौंक लगाएंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, स्लाइस अनियन, इसे भून लेंगे। प्याज में कलर आने तक इसे भून लेंगे अच्छे से। चॉप ग्रीन चिली डालेंगे, यहाँ मैं 3 ग्रीन चिली ले रहा हूँ। तो प्याज में कलर आ चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे अच्छे से। कटा हुआ कच्चा केला और आलू डालेंगे, इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से भून लेंगे। नमक डालेंगे, इसे 20 मिनट तक भूनेंगे लो टू मीडियम हीट में। मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। आप यहाँ मसाला पेस्ट भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पाउडर यूज कर रहा हूँ। इसे भून लेंगे मीडियम हीट में। कटा हुआ टमाटर डालेंगे, यहाँ मैं 2 टमाटर लिया है। ढक देंगे 5 मिनट के लिए से धीमा आंच में, ढक्कन खोलेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ चुका है। पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे, तो उबाल आ चुका है, इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को चावल के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसे धीमा आंच में पकाते रहना है, ढक्कन खोलेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। इसे किचन किंग मसाला डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया पत्ता मिक्स करेंगे इसे, इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे मीडियम हीट में पकाते रहना है। तो हमारा सब्जी पक के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, बॉयल हो चुका है, सीझ चुका है ये। इसे हम एक बॉल में खाली करेंगे, सर्विंग बॉल में। तो तैयार हो चुका है हमारा सब्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।